दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। अरे ये अंदाज है जीने का, अरे ये अंदाज है जीने का कि ना खुद रहो उदास और ना दूसरों को उदास रहने दो। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां घड़ी ने 6:15 का समय दिखा दिया है और ये समय आपके अपने अतुल सर के मिलने का आ गया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी उठ चुके होंगे, आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली होगी और आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी मुझे अंकित पाल जी ने भेजी है और इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्टोरीज को आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में अमल में जरूर लाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि देखते हैं क्या है अंकित पाल जी की इस कहानी में और शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों, एक बार एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले में कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर पिछवाड़े में जाकर वो कबूतर के पास ये बात जाकर बताता है कि सुनो, मालिक जो है वो चूहेदानी लेकर आया है। तो कबूतर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई जा, ये तेरी समस्या है, कोई मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर ये बात बकरे को बताई तो बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और कहने लगा कि क्या अब मेरे इतने बुरे दिन है कि मुझे कोई चूहेदानी में फंसा लेगा। जाओ, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है और तुम ही इससे निपटो। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन के प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर जा चुका था। तो दोस्तों, आप ये भली भांति समझ सकते होंगे कि अगली बार जब आपको कोई भी अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज, पूरा देश खतरे में होगा। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, स्वयं तक सीमित मत रहिए, सामाजिक बनिए और समाज के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए और सोचिए कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम सबको कभी ना कभी एक दूसरे की जरूरत जरूर पड़ेगी और पड़ती भी है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें सामाजिक होना चाहिए, अपने देश, काल, समय, साम्राज्य की जब भी जरूरत हो बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और अपना अस्तित्व दिखाना चाहिए कि हम भी हैं जो कुछ कर सकते हैं। वो चाहे देश के लिए हो, समाज के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, परिवार के लिए हो, हर जगह जो आपकी भूमिका है, ईश्वर ने जिस किरदार में आपको डाला है उस किरदार की पूरी भूमिका निभाने की हिम्मत और हैसियत रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज का कल्चर हो चुका है कि हम खुद से मतलब रखते हैं, हमें समाज से क्या लेना देना, हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ खुद से मतलब है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जो समाज का नहीं है तो वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें समाज की जरूरत होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता है। अगर आप मेरी बात से जरा सा भी ताल्लुकात रखते हो तो मैं चाहूंगा कि आज इस मोटिवेशनल सेशन के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं कि समाज की अपने जीवन में क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और हर एक व्यक्ति को सामाजिक होने से उसे क्या क्या लाभ हो सकता है। आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बढ़ चढ़ कर कमेंट करेंगे और समाज की अहमियत खुद बताएंगे और दुनिया को पता चलेगा कि आज का भी युवा यह समझता है कि समाज हमारे लिए कितना जरूरी है।
और आने वाली जनरेशन के लिए कितना जरूरी होगा। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कहानी है तो मुझे जरूर बताइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, जहां मैं आपकी कहानी सेलेक्ट करूंगा और हिंदुस्तान को बताऊंगा कि आज का भी युवा ऐसा है जो संस्कारिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, और उसके पास भी ऐसी कहानी है जिससे हम अपने देश, काल, समय और साम्राज्य को प्रगति की ओर अग्रसित कर सकते हैं। तो सहृदय धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। ईश्वर आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाए और आपको सदा खुशहाल रखे, आपके परिवार को खुशहाल रखे और आपको ऐसे ही संस्कारिक बनाए रहे। तो सहृदय धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।